गणतंत्र दिवस के मौके पर जिला पदरी समागम गुरु नानक स्टेडियम विखे डिप्टी कमिश्नर गुरप्रीत सिंह खैरा की अगवाई हेठ आयोजित किया गया। उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा मुख मेहमान सन और उन्होंने कौमी झंडा लहराया। इस मौके पर उन्होंने संबोधन करदिया पंजाब वासियों देश के 73वें गणतंत्र दिवस की वधाई दी। मुख मेहमान ने समागम दौरान पुलिस के मार्च पास तो सलामी ली। इतने जिक्रयोग है कि कोविड प्रोटोकॉल के कारण यह समागम संखेप ही रखा गया सी। इस मौके पर सांसद गुरजीत सिंह औजला, साबका मंत्री लक्ष्मीकांता चावला, चेयरमैन जुगल किशोर शर्मा, पुलिस कमिश्नर डॉक्टर सुखचैन सिंह गिल, जिला कांग्रेस के प्रधान अश्विनी पप्पू, नगर निगम कमिश्नर संदीप ऋषि, ADC डॉक्टर रूही दुग, ADC रणधीर सिंह मूदल, DCP परमिंदर सिंह पंडाल, जिला सैशन जज हरप्रीत कौर रंधावा, सिविल सर्जन डॉक्टर चरणजीत सिंह समेत कई अधिकारी मौजूद सन। अज मैं अपने आप को बहुत भागा समझ रहा कि मैं पवित्र नगरी दे विच आ के अपने गणतंत्र दिवस ते लोगों के सामने, पंजाब वासियों के सामने, हिंदुस्तानियों के सन्मुख हो के इस पवित्र दिहाड़े से थोड़े दर्शन कर रहे। मैं आज के दिन हिंदुस्तान के निवासियों को खास करके अंबेडकर साहब का, जिन्होंने संविधान लिख के हिंदुस्तान लागू कर दी, बाबा साहब अंबेडकर ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। देश का 73वां गणतंत्र दिवस अज बड़े उत्साह मनाया गया। जिला पदरी समागम जो गुरु नानक स्टेडियम विखे होया और उप मुख्यमंत्री साहब सुखजिंदर सिंह रंधावा ने इस मौके के उपर राष्ट्रीय झंडा लहराया। कोविड के कारण जिहड़ियां प्रोटोकॉल अज इस्तेमाल किए गए, जिन्हां दे तहत प्रोग्राम होया, उहदे कारण बड़ा संखेप प्रोग्राम होया। हुण साडी भी इहो ही उस प्रभु को मंगल कामना है कि आने वाले दिनों कोरोना की जिहड़ी बीमारी है जल्द तो जल्द खत्म हो और आने वाला जिहड़ा 15 अगस्त आज़ादी का दिहाड़ा वो लोग बड़े उत्साह नाल मना सकन और इस स्टेडियम च चंगीआं रौनकां लगन। कैमरामैन अजय कुमार, संदीप सियाल, फर्स्ट न्यूज़, अमृतसर।